हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो डाक विभाग में पोस्टमैन काम करते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो पे स्लिप जारी की गई है पोस्टमैन की, वही पे स्लिप हम आपको स्क्रीन पर दिखाएं। दोस्तों, जो पे स्लिप है वह नवंबर 2020 की है, यानी कि लास्ट महीने की पे स्लिप हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियली जो डाक विभाग की तरफ से जो पे स्लिप जारी की जाती है वही पे स्लिप हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमने कुछ चीज़ें हाइड की हुई है। यहाँ देख सकते हैं नेम, एम्प्लॉय आईडी, इसके अलावा ऑफिस नेम, इसके अलावा पेन नंबर और जो प्रांड नंबर होता है, ये सारी चीज़ें हमने हाइड की हुई है ताकि कोई आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। या डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं पोस्टमैन, जो सैलरी स्लिप हम आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वह पोस्टमैन की सैलरी स्लिप है। तो हम अभी आपको बता देते हैं पूरी सैलरी स्लिप। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें जो सैलरी स्लिप होती है वह तीन भागों में डिवाइडेड होती है, अर्निंग, डिटेक्शन, आउट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्निंग की, यानी किस किस का पैसा जो पोस्टमैन की सैलरी में एड होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बेसिक पे। तो दोस्तों, बेसिक पे आप यहाँ देख सकते हैं पोस्टमैन का 23,100 रुपये यहाँ बेसिक पे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा DNS अलाउंस, तो अभी वर्तमान में 17% डीए मिल रहा है केंद्रीय कर्मचारी को, उसके हिसाब से जो DNS अलाउंस बन रहा है वह 3,927 रुपये उसके अनुसार बन रहा है। वहीं हम बात करें DA ऑन TPA, इसके 306 रुपये यहाँ बन रहे हैं। तो इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1,800 रुपये यहाँ पोस्टमैन को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। इसके अलावा साइकिल अलाउंस भी पोस्टमैन को मिलता है, तो साइकिल अलाउंस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 180 रुपये यहाँ साइकिल अलाउंस के भी यहाँ पोस्टमैन के बन रहे हैं। तो वहीं हम बात करें टोटल अर्निंग की, टोटल अर्निंग में आप यहाँ देख सकते हैं 29,313 रुपये, यानी कि आप देख सकते हैं पोस्टमैन की जो टोटल अर्निंग होती है वह 29,313 रुपये यहाँ होती हैं। तो वहीं दोस्तों, हम बात करें डिटक्शन की, यानी कि कुछ कटौतियाँ तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से की जाती है, इसके अलावा कुछ कटौतियाँ खुद पोस्टमैन भी करवाता है। तो आप यहाँ कटौतियाँ में देख सकते हैं NPS के 2703 रुपये यहाँ कटौती की जाती है पोस्टमैन के। दोस्तों, ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ इस जो पोस्टमैन की सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं 2703 रुपये यहाँ कट हो रहे हैं। वहीं आप सेविंग फंड में आप देख सकते 30 रुपये यहाँ कट हो रहे हैं। टोटल डिटक्शन की हम बात करें तो 2733 रुपये यहाँ टोटल कटौती हो रही है पोस्टमैन के। तो वहीं हम बात करें आउट ऑफ अकाउंट की, दोस्तों आउट ऑफ अकाउंट में भी कुछ कटौतियां होती है। तो आउट ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हैं प्रॉफिट टैक्स के यहाँ 200 रुपये पोस्टमैन के कटौती की जा रही है। वहीं दोस्तों, हम बात करें पोस्टमैन को टोटल टेक होम पे कितना मिलता है, यानी कि इन हैंड कितना पैसा मिलता है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं 26,380 रुपये पोस्टमैन को टोटल सैलरी यानी इन हैंड मिलती है सभी कटौती के बाद। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमने अभी इस वीडियो में आपको जो पोस्टमैन की जो सैलरी स्लिप है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, वो हमने आपको दिखाई है। और इस सैलरी स्लिप के माध्यम से जो अर्निंग में पोस्टमैन की जो सैलरी बनती है वह 29,313 रुपये बनती है, और वहीं सभी कटौती के बाद जो इन हैंड उनको सैलरी मिलती है वह 26,380 रुपये सैलरी मिलती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आगे आपको किसी भी कर्मचारी की सैलरी स्लिप पर वीडियो चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी प्रकार के तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।